अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि हम यूनिट 4 शुरू करें, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अच्छा, यूनिट 4 के आउटकम्स को हम स्टडी करेंगे जी, कि इससे हमें हासिल क्या होगा। जब यूनिट 4 एंड होगा तो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि रीड कर सकेंगे और टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जो लेसन के अपने अंदर उनके करेज की क्वालिटी पैदा होगी, डिटर्मिनेशन जिसको हम ये कहते हैं कि अज़्म समीम कहते हैं, पुख्ता इरादा कहते हैं, वो पैदा होगा। विकैबलरी उनके अंदर इम्प्रूव होगी, उनकी विकैबलरी इम्प्रूव होगी और नेशनल सर्विसेज की सेंस उनके अंदर जो है वो डेवलप होगी कि कौम को या कौमी खिदमात जो है उनकी सेंस उनके अंदर डेवलप होगी। पोएम रीडिंग को वो एंजॉय करेंगे, एडजेक्टिव्स का नॉलेज उनको मिलेगा और करेज और डिटर्मिनेशन उसकी इम्पोर्टेंस का उनको पता चलेगा कि हिम्मत क्या होती है, अज़्म समीम क्या होता है, उसका उनको आइडिया होगा। रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग स्किल्स उनकी इम्प्रूव होंगी, सिंपल और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के वो काबिल हो जाएंगे और इजी और सिंपल और करेक्ट इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस बयान कर सकेंगे, एक्सप्रेस देयर आइडियाज होगा जी। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और ट्रीज की इम्पोर्टेंस का भी उनको पता चलेगा जी। यूनिट 4 होना चाहिए जी, इसको 3 नहीं है, 4 है, ठीक है। तो यूनिट 4 की जो टारगेट थॉट्स हैं या उसका थीम जो चल रहा है, करेज एंड डिटर्मिनेशन है जी। करेज क्या होती है और डिटर्मिनेशन क्या होता है, हिम्मत क्या होती है, अज़्म समीम क्या होता है। यूनिट की आउटकम्स को हम स्टडी कर चुके हैं ऊपर। करेज और डिटर्मिनेशन है, रीडिंग सिलेक्शन 4.1 है जी, होप करेज एंड डिटर्मिनेशन, उम्मीद है इंसान को होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। जो एक्चुअल कहानी है वो एक क्रिएटिव इंजीनियर की, एक तख्लीकी जहन रखने वाले इंजीनियर की कहानी है, जॉन रोबलिंग उसका नाम है और उसका जो बेटा है वाशिंगटन, उसके जहन में एक आइडिया आता है कि वो ये साबित बल्कि करता है कि कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है इस कहानी के जरिए। और ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये कोई सिर्फ स्टोरी नहीं है बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है, वाकईतन ऐसा हुआ है। एक बंदे का पुख्ता अज़्म जो होता है, पुख्ता जो इरादा होता है, वो नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर देता है। और रोबलिंग के अंदर एक आइडिया था ब्रिज बनाने का, ठीक है, कि न्यूयॉर्क को एक लंबे से जजीरे के साथ उसने कनेक्ट करना था। जितने भी इस फील्ड के एक्सपर्ट इंजीनियर्स थे वो ये समझते थे कि बड़ा नामुमकिन सा काम है ये, और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि बस इस प्रोजेक्ट को छोड़ ही दो। रोबलिंग बड़ा ही डिटर्मिंड किस्म का बंदा था, इंजीनियर था, वो ये जानता था कि ये किया जा सकता है। उसने अपना ये आइडिया अपने बेटे वाशिंगटन को बताया और फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। एक बड़ा ट्रेजिक किस्म का, अलमनाक किस्म का हादसा होता है, उसकी जिंदगी चली जाती है जॉन रोबलिंग की, और वाशिंगटन जो उसका बेटा है वो क्रिपल हो जाता है, वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, माजूर हो जाता है काम के दौरान। वाशिंगटन का ब्रेन जो है वो थोड़ा सा डैमेज होता है और वो पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल मफलूज होके रह जाता है, ना वो चलने के काबिल होता है बल्कि अपने फादर का जो वीजन है, उसका जो मिशन है, उसको वो फॉलो करता है, उस पर अमल करता है, जो उसकी जिंदगी का मकसद था, ठीक है, नजरिया था, उसको फॉलो करता है बड़े अज़्म समीम के साथ, पुख्ता अज़्म समीम के साथ उसको फॉलो करता है, पक्के इरादे के साथ। क्योंकि ना बात कर सकता था, ना लिख सकता था, और ना लिख सकने और ना बात करने के नाते से आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बीवी के साथ एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का अंदाज डेवलप कर लिया। अपनी बीवी के बाजू पर आहिस्ता आहिस्ता थपकी देता और फिर अपना आइडिया जो है वो दूसरे इंजीनियर्स तक उस थपकी के जरिए जो है वो पहुंचा देता था, ठीक है।
और बड़ा अरसा लगा इसको और बड़ी अनटायरिंग किस्म की स्ट्रगल उसको चाहिए थी। 13 साल तक ये इस काम पे लगा रहा, आप ये कोड लैंग्वेज यूज करता रहा और जो ब्रिज था वो आखिरकार कंप्लीट हो गया। और ये बड़ा ही काबले दीद किस्म का ब्रुकलिन ब्रिज है, ये पूरी आबोताब के साथ अपनी शान के साथ बतौर एक खराज तहसीन के एक बंदे की नाकाबले तस्खीर किस्म के जज्बे की फतह का आप ऐलान करता हुआ नजर आता है। और उसके अजमे समीम अजम बिल जज़्म के बारे में बताता है कि उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती जी, ठीक है, किसी भी सूरत में शिकस्त नहीं दी जा सकती अगर बंदा एक दफा इरादा कर ले तो। इट इज कहता है कि इट इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड एक्सीलेंट कहता है कि इट इज कंसिडर्ड एन एक्सीलेंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड परहैप्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डिटर्मिनेशन। कहता है कि ये इंजीनियरिंग का एक बड़ा शाहकार समझा जाता है और शायद अजमे समीम की बेहतरीन मिसालों में से एक है। अब आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ, इनको डिस्कस करते हैं। रिकॉलिंग में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से वाले भाई दोस्त चैप थे जिसके बारे में जॉन रॉबलिंग ने सोचा कि उनको ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए, आपस में जोड़ा जाए। जॉन रॉबलिंग जो है वो पुख्ता अजमे समीम का बंदा था और दो शहर जिनको जॉन रॉबलिंग ने सोचा कि एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए वो न्यूयॉर्क थे और एक लॉन्ग आइलैंड का सिटी था। इन दोनों को इसने कनेक्ट करना था और ये बड़ा ही मुश्किल टास्क था, लेकिन बड़ा पुख्ता अजमे समीम इसके लिए चाहिए था। इसके लिए तो जॉन रॉबलिंग का जो अजमे समीम था उसने इसको मुमकिन बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि व्हाट डिड द ब्रिज बिल्डिंग इंजीनियर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड थिंक ऑफ रॉबलिंग्स प्लान। दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पुल बनाने वाले इंजीनियर्स थे उन्होंने रॉबलिंग के जो मंसूबा था उसके बारे में वो क्या सोचते थे, उनकी क्या राय थी। जितने भी पुल बनाने वाले इंजीनियर्स थे पूरी दुनिया में उन्होंने सोचा कि ये बड़ा नामुमकिन किस्म का टास्क है कि दो शहरों को एक ब्रिज के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाए और ऐसा नहीं किया जा सकता था। और उन्होंने कहा था कि ये कभी भी ऐसा नहीं किया गया, इससे पहले कभी भी नहीं ऐसा किया गया। और उनके ख्याल में ये कोई अमली किस्म का टास्क नहीं था, काम नहीं था कि इस किस्म का लंबा पुल जो है वो तामीर किया जाए, बनाया जाए। मैंने इसकी जो डॉक्यूमेंट्री भी देखी है यूट्यूब पे, आप ब्रुकलिन ब्रिज लिखेंगे तो बेशुमार इसके हवाले से वो जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स आ जाएंगे या मूवीज आ जाएंगी या डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज हैं, 4 किलोमीटर लंबा है जहां पर शायद इन्होंने तस्करा नहीं किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड रॉबलिंग फाइनली सक्सीड इन कन्विंसिंग दैट द प्रोजेक्ट कुड बी अकम्प्लिश्ड। रॉबलिंग आखिरकार किस तरह कामयाब हुआ कायल करने में कि जो प्रोजेक्ट है, जो मंसूबा है, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता। इसका आंसर ये बनता है कि ब्रिज बनाने का जो आइडिया था वो हमेशा ही रॉबलिंग के जहन में गर्दश कर रहा था और उसने अपना ये प्लान अपने बेटे को भी बताया था जिसका नाम वाशिंगटन था और जो उसका जो अभी उभरता हुआ इंजीनियर था। और शुरू शुरू में तो वो अपने बाप के प्लान के साथ एग्री नहीं किया उसने, लेकिन काफी डिस्कशन के बाद, बहसो तमीज के बाद और काफी कायल करने के बाद आखिरकार वो अपने बेटे को पुल तामीर करने के सिलसिले में कायल करने में कामयाब हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द प्रोजेक्ट वाज अंडरवे फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स। जब सिर्फ चंद एक महीने ही हुए थे प्रोजेक्ट को चले हुए तो क्या हो गया था अचानक। अभी जबकि चंद महीने ही नहीं गुजरे थे प्रोजेक्ट को चले हुए तो एक बड़ा अलमनाक किस्म का वाकया हुआ कि
जो जॉन रोबलिंग था वो ब्रिज से गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी चली गई, और वाशिंगटन जो था, उसका जो सन था जॉन रोबलिंग का बेटा था, वो मुकम्मल तौर पे मफलूज होकर रह गया। अब वो इस काबिल भी नहीं था कि वो बात कर सकता या चल सकता या अपने आप को हरकत दे सकता। उसका बेटा भी इस कदर वो जो है वो उसमें जख्मी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है जी, व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द पीपल आफ्टर द एक्सीडेंट ऑन द साइट। साइट पर या जगह पर, जो जगह थी उस पर लोगों का एक्सीडेंट के बाद क्या रिस्पांस था, लोगों की राय क्या थी। जब साइट पर एक्सीडेंट हुआ, जहां पर पुल बन रहा था, उसको साइट कहते हैं जी, तो लोगों का जो रिस्पांस था बड़ा नेगेटिव किस्म का था, बड़ा मनफी किस्म का रिस्पांस था, और आप ये कह दें कि डिजेक्टिंग किस्म का रिस्पांस था। और बड़े फखरिया अंदाज में उन्होंने कहा कि ये बड़े, आप ये कह दें कि जुनूनी किस्म के लोग हैं, और उनके इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो ख्वाब हैं, वो भी बड़े जुनूनी अंदाज के हैं। कुछ ने तो कहा कि बड़ा अहमकाना किस्म का फैसला है जी, कि इस किस्म के जो वाइल्ड विजन्स हैं, इस किस्म के जो आप वैश्याना किस्म के मकासद हैं, उनको चेज करना, उनको फॉलो करना या उन पे अमल करना। उन्होंने सोचा कि प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए, मंसूबे को, क्योंकि रोबलिंग ही सिर्फ वो लोग थे जो जानते थे कि ब्रिज को कैसे बनाया जा सकता है। अब एक जो है फादर चला जाता है दुनिया से, बेटा जो है मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो जाता है, मूव भी नहीं कर सकता, बात भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता, तो उस वजह से लोगों ने कहा कि इसको रोक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है जी, अनएबल टू स्पीक और राइट, व्हाट मेथड डिड वॉशिंगटन यूज टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ। क्योंकि बात भी नहीं कर सकता था, लिख भी नहीं सकता था, तो कौन सा मेथड वॉशिंगटन ने इस्तेमाल किया अपनी बीवी से बात करने का। वाशिंगटन क्योंकि बात भी नहीं कर सकता था, लिख भी नहीं सकता था, चुनाचे उसने अपनी उंगली से जो है वो उंगली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और एक अपनी बीवी के साथ एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया, एक ऐसी कोड लैंग्वेज डेवलप कर ली अपनी बीवी के साथ, ठीक है। और फिर वो उस अपनी बीवी की उंगली पर, अपनी बीवी की बाजू पर जरा थपकी सी देता, और उस फिंगर के साथ, और फिर अपना मैसेज उसको पहुंचा देता। ये बड़ा ही मुश्किल किस्म का काम था, लेकिन वो अजम बिल जिज्म के साथ अपना काम मुकम्मल करने में लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 बनता है जी, हाउ डिड वॉशिंगटन कम्युनिकेट विद हिज इंजीनियर्स फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स। वॉशिंगटन ने अपने इंजीनियर्स के साथ 13 ईयर्स तक, 13 साल की तवील मुद्दत तक कैसे कम्युनिकेट किया। वाशिंगटन ने अपनी उंगली का बेहतरीन इस्तेमाल किया जी। जब भी वो अपने इंजीनियर्स को बुलाना चाहता था, तो अपनी उंगली को मूव करता, इशारा करता, और फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस अपनी बीवी की वाइफ पर टैप करके हल्का हल्का थपकी दे के देता, और उसकी बीवी उसके आइडिया को समझ जाती और फिर सेम इंस्ट्रक्शंस को वो दूसरे इंजीनियर्स को पहुंचा देती। वही जो रोबलिंग वो देता, उसका बेटा वो वाशिंगटन देता था, ठीक है जी, रोबलिंग का बेटा। 13 तवील साल तक वाशिंगटन ने जो बिल्कुल वही तरीकाकार इस्तेमाल किया कि इस तरह बीवी के साथ उसने कम्युनिकेट करना है। आप इंटरप्रेटिंग में आ जाते हैं जी। नेक्स्ट, व्हाई डिड जॉन रोबलिंग इग्नोर व्हेन अदर इंजीनियर सेड दैट इट वाज एन इम्पॉसिबल आइडिया दैट इट कुड नॉट बी डन। जॉन रोबलिंग ने क्यों इग्नोर कर दिया, जबकि दूसरे इंजीनियर जो थे वो ये कह रहे थे कि बड़ा नामुमकिन किस्म का आइडिया है और ये मुकम्मल नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसा इस पे अमल दरामद नहीं किया जा सकता। तो जॉन रोबलिंग ने दूसरे इंजीनियर्स का आइडिया जो इस वजह से इग्नोर कर दिया, जो कि जिनका ये नजरिया था कि जो न्यूयॉर्क के साथ ब्रिज को कनेक्ट करना, एक लंबे आइलैंड के साथ, न्यूयॉर्क और जो एक लंबे आइलैंड को एक दूसरे के साथ ब्रिज के जरिए कनेक्ट करना जो है वो एक नामुमकिन किस्म का काम था, क्योंकि इससे पहले ये कभी नहीं किया गया था। लेकिन रोबलिंग चूंकि
अजम बिल जिस्म लिए हुए था, पुख्ता इरादा किए हुए था कि उसने ब्रिज बनाना ही बनाना है, और फिर अपने प्लान के बारे में हर वक्त वो सोचता रहता था, और अपने दिल में ये बात बसाए हुए था कि जो ब्रिज है उसको बनाया जा सकता है, तामीर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं जी। Why did Washington not abandon the idea of building the bridge after the accident which left him totally paralyzed? Washington ने ब्रिज बिल्डिंग का जो आइडिया था उसको एक्सीडेंट के बाद क्यों नहीं छोड़ा जी? उसका जो बेटा था जॉन रॉबलिंग का, उसका नाम वाशिंगटन था, उसने ये आइडिया क्यों नहीं छोड़ा भाई, जबकि वो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज भी हो गया था एक्सीडेंट के बाद जी। वाशिंगटन पुख्ता इरादा किए हुए था कि जैसा कि उसके बाप का इरादा था, वो नहीं चाहता था कि वो अपने बाप के प्रोजेक्ट को नामुकम्मल छोड़े, और अभी भी उसके दिल में एक बड़ी, आप ये कह दें कि सख्त किस्म की ये ख्वाहिश थी कि ब्रिज उसने बनाना है, अगरचे कि वो इस अलमनाक हादसे की वजह से आप ये कह दें कि पैरालाइज होके रह गया था, मकलूज होके रह गया था, हिलजुल नहीं सकता था, अभी भी वो बाहिम्मत था, उसका जो जहन था वो अभी भी उतना ही तेज था जितना कि पहले था। चुनाचे उसने ब्रिज बनाने का जो आइडिया था उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। ब्रुकलिन ब्रिज को एक ट्रिब्यूट कहा जाता है, एक मॉन्यूमेंट भी कहता है आथर, जो इसका लिखारी है, जो इसका लिखने वाला राइटर है, वो कहता है जी कि एक खराज है, खराज तहसीन है, एक यादगार है, ठीक है, तो क्यों कहता है जी इसको, ऐसे क्यों कहता है? ब्रुकलिन ब्रिज को खराज तहसीन भी कहा जाता है, एक खराज भी कहा जाता है, ठीक है, और मॉन्यूमेंट भी, यादगार भी कहा जाता है, आथर ये कहता है क्योंकि ये बड़ी, आप ये कहते हैं कि ताकतवर और बड़ी, आप ये कहते हैं कि हिम्मत के साथ और बड़ी कोशिशों के साथ दो इंजीनियर्स ने इसको बनाया था, मुकम्मल किया था, और ये शानदार किस्म का जो ब्रुकलिन ब्रिज है मुकम्मल शान शौकत के साथ अभी भी अपनी जगह पे खड़ा है, और जो ये हमें बताता है कि किस किस्म की उस एक बंदे की जो है वो, आप ये कह दें कि अजम समीन था, अजम बिलजम था, और कितनी आप ये कह दें कि ऐसी स्पिरिट थी, ऐसा जज्बा था उसका कि जिस पे गलबा नहीं पाया जा सकता था, ठीक है। और ये हमें ये भी सबक देता है, इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि किसी भी हालत में इंसान को शिकस्त नहीं माननी चाहिए, किसी सूरत में इंसान को काम अपना छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, और इसके साथ ही हम इसको खत्म करते हैं। लेकिन मैं इसके साथ आपसे कहूंगा कि अगर आपने मजीद इंफॉर्मेशन लेनी है ब्रुकलिन ब्रिज के बारे में, तो आप नेट पे, यूट्यूब पर इसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें वक्त अपना जाया मत कीजिएगा, ठीक है, स्टे रेलिवेंट।